हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद राहुल पर। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में 8 तक समझाया था, अब 9th नंबर से मैं आपको बताता हूँ कि कौन से पोस्ट का क्या काम है। तो एक असिस्टेंट ब्रिज करके पोस्ट था, आपने ध्यान दिया होगा, वो एक लगाना पड़ रहा है यार, इसका माइक थोड़ा ऊपर में है तो इसलिए मैंने ये काम में लगा रखा है। पिछले वीडियो में कमेंट आए थे तो असिस्टेंट ब्रिज, तो देखो ये एक्चुअली नाम से ही ब्रिज इसमें लिखा पड़ा है, और जो आप प्लेटफॉर्म पे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए जो आप ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, उस ब्रिज में, उस ब्रिज के मेंटेनेंस के लिए। देखो क्या है एक्चुअली में, अब सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर में बनाते हैं, मतलब ठेकेदार को दे दिया गया है, लेकिन बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहोगे किसी भी चीज़ के लिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा तो वो ख़राब भी बना सकता है, तो आपको इसलिए लिया जाता है कि आप वहाँ रहेंगे, आप देख रेख करेंगे, ऑब्वियसली आपके ऊपर टेक्नीशियन भी रहेंगे, जेई भी रहेंगे सुपरवाइज करने के लिए, बट आपकी भी ज़रूरत होगी कभी कभी, सो इसलिए आपको असिस्टेंट ब्रिज में रखा जाता है काम। हाँ, कभी कभी अगर बहुत छोटी माइनर सी फॉल्ट है, मरम्मत करना है, मेंटेनेंस करना है, तो उसके लिए आपको रखा गया है असिस्टेंट ब्रिज। वर्कलोड इसमें भी ना के बराबर है, इसमें भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब आता है असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन। ये देखो जो एक असिस्टेंट वर्कशॉप था कहीं, तो असिस्टेंट वर्कशॉप में क्या होता है कि आप जब भी ट्रेन यार्ड में लगी हुई है तो उसके मेंटेनेंस करते हैं, बाहरी पार्ट को, जैसे चक्का वगैरह हो गया या फिर जो उसके स्प्रिंग वगैरह हो गए, बहुत सारे आप बाहर में जो भी ट्रेन को देखते हैं ना, उसके मशीनरी पार्ट बाहर से, वो सारे असिस्टेंट वर्कशॉप का काम होता है। अब असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन में ट्रेन के इंटीरियर पार्ट का काम होता है, मेंटेनेंस होता है, लाइक देखो फैन का डायरेक्टली ना बोल सकूँ, ये बोलो कि जो सीट वगैरह होता है, सीट का लोकेशन, या कुछ भी न्यू फैसिलिटी अगर ट्रेन में इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो उसके बारे में भी करना, मिरर कहाँ लगना है, या फिर कुछ भी नई चीज़ें, इवन फैन वगैरह में भी अगर किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत अगर उसके लोकेशन में शिफ्टिंग वगैरह का काम है तो वो काम होता है असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन। उसके मेंटेनेंस का काम एक्चुअली में इलेक्ट्रिशियन का होता है। ये हो गया असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन। अब मैंने असिस्टेंट लोको शेड, ये जहाँ ट्रेन लगी रहती है यार्ड में, वहाँ के जितना लोको मीन्स इंजन वगैरह से रिलेटेड है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस करना होगा आपको। ये देखो असिस्टेंट लोको शेड एक डीजल होता है और एक असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल होता है। डीजल शेड में अभी भी बहुत सारे स्टेशन, बहुत सारे लाइन जो है वो इलेक्ट्रीफाइड फुली नहीं हो पाए हैं, तो वहाँ पर डीजल इंजन चलता है। तो आपको डीजल इंजन वाले जितने भी कंपार्ट है यार्ड में, आपको असिस्टेंट लोको से डीजल में आपको वहीं मेंटेनेंस करना होता है, और असिस्टेंट ऑपरेशन में स्टेशन मास्टर, अच्छा नहीं, और इलेक्ट्रिकल में तो अब तो मोस्ट ऑफ द जगह इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, तो आप वहाँ पे जो भी इंजन लगे रहेंगे या फिर जो भी कंपार्ट लगे हुए रहेंगे, तो वो डब्बे को मेंटेनेंस वगैरह का काम आपको करना है इलेक्ट्रिकल वाला का। फिर उसके बाद आएगा असिस्टेंट ऑपरेशन, वो ऑपरेटिंग विभाग के अंदर में आता है, स्टेशन मास्टर के हेल्प के लिए होते हैं ये लोग, और देखो जो पॉइंट्समैन होता है वो भी ऑपरेटिंग के अंदर में ही आता है, क्योंकि ऑपरेटिंग वाले इन्हीं को बोला जाता है, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये सब नाम पता नहीं क्या चेंज कर देते हैं। जैसे अभी असिस्टेंट का था तो असिस्टेंट ऐड कर दिया गया, पहले ग्रुप डी था उसको चेंज करके असिस्टेंट कर दिया गया, तो उसी तरह से नाम में चेंजेस किया गया है, असिस्टेंट ऑपरेशन फायर कर दिया गया है। एक और था जिस जो मैंने लास्ट में बताया था कि इलेक्ट्रिशियन का पोस्ट है, तो वो भी बहुत अच्छी पोस्ट है, आपको अगर मिल रहा है तो आप बिल्कुल लें, किसमें मर्ज किया है वो पता नहीं चल पा रहा है, तो वो भी अच्छी पोस्ट है। कुल मिला के ट्रैक मैन के सिवा थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी, तो देखो जो इलेक्ट्रिशियन का पोस्ट है वो बहुत अच्छी है, और हाँ ये मैं बोल रहा था कि सिर्फ ट्रैक मैन छोड़ के आपको करीब करीब सारे पोस्ट में पढ़ाई करने के लिए मौके मिल जाएंगे, बेरोजगारी का ठप्पा हटेगा और आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर कम से कम आपको कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, आप चुपचाप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। NHA वगैरह के बारे में तो मैंने बात कर लिया था। अब है असिस्टेंट TRD, ये भी पैसे वाला पोस्ट है। TRD का होता है फुल फॉर्म क्या होता है, कुछ ओवरहेड ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट करके होता है, देखो अब देखना पड़ेगा। मेन इसका काम क्या है, जो आप वायर देखते हो
ओवरहेड वायर, ओवरहेड ट्रांसमिशन वायर जो जिससे रेलवे टच होके रेलवे करंट लेती है इंजन और चलती है जिससे, तो वो सारे वायर का आपको मेंटेनेंस करना होता है, वही असिस्टेंट पीआरडी का काम होता है। वो एक इंजन होता है, वो आपको मतलब एक अपना पर्सनल गाड़ी मिल जाती है इंजन टाइप की, आपको वो लेना है निकल जाना है, आप पर्सनल नहीं जेई के साथ ही जाएंगे आप तो, और जहाँ कहीं भी वो लोग उसी में सीढ़ी लगा होता है और वो ऑटोमेटिक आप डिसकनेक्ट करके और फिर आप उसका मेंटेनेंस करते हैं वायर का। इसमें भी किलोमीटर अलाउंस मिलता है इसलिए आपकी सैलरी इसमें भी 10-15 हज़ार रुपये तो कम से कम महीना में बढ़ जाएगी, आपकी सैलरी इसमें भी 40 हज़ार के आसपास हो जाएगा। और हाँ, डीए बढ़ गया तो अब 28% हो गया है, मोस्ट प्रोबेबली 31 तो इसी बार हो जाना है, बाद में अनाउंस हो जाएगा सितंबर में। आपकी सैलरी ऐसे भी 4-5 हज़ार रुपये तो एक्स्ट्रा बढ़ ही जाएंगे, 30 के आसपास जाते के साथ मिलेगा आपको। अब आते हैं असिस्टेंट वर्क्स वर्कशॉप, ये सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है जो असिस्टेंट वर्क्स है एंड वर्कशॉप है। यहाँ थोड़ा उल्टा है, देखो इंजीनियरिंग का नाम है इंजीनियरिंग, लगता है कि इंजीनियरिंग है बट एक्चुअली में वहाँ मैकेनिकल वर्क फिजिकल वर्क ज़्यादा होते हैं। सो ये है, देखो असिस्टेंट वर्क्स और वर्कशॉप का क्या काम है, इसमें आप जो स्लीपर होता है, स्लीपर आपको कैसे समझाएं, जो ट्रेन की दो ट्रेन का जो पटरियां होता है उन दोनों के बीच में आपने पत्थर वाले जितने भी देखे हैं, पत्थर से दोनों साइड से ऐसे किया जाता है, ब्लॉक सीढ़ी टाइप का बनाया होता है, तो वो पत्थर को स्लीपर बोला जाता है। उसी वो जहाँ बनता है फैक्ट्री में, वो एक्चुअली गवर्नमेंट कंट्रोल फैक्ट्री है, तो वहाँ पे आपको असिस्टेंट के रूप में काम होता है, तो यहाँ फिजिकली ज़्यादा काम होता है। तो ये हुआ असिस्टेंट वर्क्स वर्कशॉप में। अब है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, और यही है गैंगमैन भाई साहब जिनके कारण, देखो रियली में लिटरली अगर रेलवे को कोई चला रहा है तो यही चला रहे हैं, लेकिन पता नहीं इन्हें बहुत थोड़ा हे दृष्टि से देखा जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, इसमें अच्छे लिए पढ़े लिखे सब होते हैं और पहले वाला समय गया, क्योंकि इस पोस्ट के लिए भी बहुत क्वालिफाइड और बहुत टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं, वो बात अलग है रहेंगे नहीं इसमें, बस ये उनका पड़ाव होता है, मंजिल नहीं होता। तो यही लास्ट है ट्रैक मेंटेनर का, जिनको गैंगमैन कहा जाता है, और बाकी उसमें तो गर्ल्स के लिए कौन सा सूटेबल है, पैसे के लिए, स्टडी के लिए, प्रमोशन के लिए, तो वो मैंने एक वीडियो बना रखा है, और तो इसमें कुछ काम कर रहा नहीं, इसमें भी कुछ काम का नहीं रहा। चलो ठीक है, फिर कुछ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तो प्लीज़ आप पढ़ाई कीजिए, हो सकता है आप लोग का एग्ज़ाम जैसे ही एनटीपीसी ख़त्म होगा तुरंत एग्ज़ाम के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक बार जब स्लॉट मिलता है, देखो अभी सीजीएल भी लेना है और बैंकिंग का भी चल रहा है, तो सीजीएल बहुत पीछे हो चुका है, तो बेसिकली मेरे ख्याल से बहुत अगर आपको टाइम मिलेगा तो सितंबर तक मिलेगा, अक्टूबर में तो आपकी एग्ज़ाम किसी भी हाल में हो जाएगी। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम सिर्फ मेंस होता है, मतलब एक ही बार में जय चाहे छः, तो एक स्लॉट बुक कर लो, 30 हज़ार की जॉब है, ठीक ठाक जॉब है कम से कम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, उसके बाद रिलैक्स होकर आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना दोस्तों के साथ, लाइक करना और सब्सक्राइब कर ले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चलो मिलते हैं, जय हिंद।